नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चौबे। किसनी थाना क्षेत्र के कटरा समान में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते दलित महिला की पिटाई कर दी। महिला के पुलिस को सूचना देने पर भी पुलिस के सामने दबंगों ने महिला को पीट दिया। पीड़ित महिला ने थाने में जाकर तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की ये रिपोर्ट। क्या नाम आपका? पिंकी दिवाकर। पिंकी जी, कहाँ रहने वाली हैं आप? समान कटरा। आप थाने में तहरीर देने आई हैं, क्या मामला है? थाने में तहरीर देने आए थे। रामनगर का रहने वाला राज बहादुर यादव, मेरा पड़ोसी, उसके लड़के ने गाली दे रहा था। मेरे पति घर पे नहीं थे। सुबह शाम को वो दुकान से आए, 9:30 बजे उसने एकदम गाली गप्पड़ करने लगा। जब हम बाहर निकले सोई, उसने मेरे झापड़ मार दिया। मोहरा लेके दौड़ पड़ा और कहता है गोली मार देंगे सालो। शाम तक वो जिंदा नहीं। आपने पुलिस को फोन किया था? हाँ किया था मैंने, 4 बार SOG का नंबर लगाया। बोले अंदर घुस जाओ, बाहर क्यों? और नहीं और तो फिर जब मैंने पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी, 100 नंबर बुलाई, तब उनने 100 नंबर के सामने उस लड़के ने शराब के नशे में मुझे झापड़ मार दिया। कहाँ झापड़ मारा? यहाँ देखो। नहीं तो फिर आपने कोई थाने में तहरीर दी है? हाँ तहरीर दे के आया आज सुबह में। तो ये मतलब ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा ये लोग क्योंकि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि धूम धोबी हो, इनको परेशान करो, निकल जाए यहाँ। सही सब यादव रहते हैं, अकेला मकान मेरा धोबी है। अच्छा, इसलिए पसंद करते हैं आपको? तो ये लोग किस टाइप के लोग हैं, मतलब क्या रंगबाजी दिखाते हैं? कि रंगबाजी भी दिखाते, गुंडा भी टाइप के हैं। रोज आए दिन शराब पी के आते, गाली गप्पड़ करते मुझे। आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं मुझे न्याय मिले, नहीं तो मैं कप्तान यहाँ से नहीं मिलेगा न्याय किसनी से, तो मैं कप्तान साहब के यहाँ चले जाएंगे कल।